आज मेरे पास एक ओप्पो का मोबाइल है जिनका पासवर्ड लॉक भूल चुके हैं मेरे पास से, जिनका मॉडल है ओप्पो A54। ठीक है, मैंने इसका लॉक अभी रिमूव करेंगे। तो चलिए, मेरे पास एक डिवाइस है जिनका नाम UMT डोंगल है। तो चलिए, लैपटॉप स्क्रीन पे हम सीधा जाएंगे MTK टूल्स पर, जो मैंने अभी ओपन कर रहा हूँ, ये ओपन हो गया है। हम सीधा जाएंगे tools/FRP, ओपन करेंगे। उसके बाद हम ब्रांड सेलेक्ट करेंगे, जो मोबाइल है वो है ओप्पो, तो हम ओप्पो को सिलेक्ट कर लेंगे फर्स्ट। उसके बाद देखिए, लिस्ट पर A54 तो नहीं है, बट A5S जो है हम उसको सिलेक्ट करेंगे। हम सीधा जाएंगे फॉर्मेट FS पे, तो हम डू करेंगे। चलिए, हम अभी डू पे क्लिक करेंगे, तो इस तरह का स्क्रीन पे आएगा। उसके बाद आपको मोबाइल पे USB लगाना है। जब USB लगाएंगे तो वॉल्यूम अप एंड डाउन की दोनों को एक साथ पे प्रेस करेंगे और USB हम लगा देंगे। आपका ड्राइवर कुछ सेकंड में ही कनेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको स्क्रीन में ऐसी कुछ दिखाएगा जो आपको फॉलो करना है। देखिए, DA कनेक्ट हो गया है। उसके बाद आपको साइनिंग टारगेट कर रहा है, साइनिंग विथ टारगेट। उसके बाद आपको फॉर्मेटिंग यूजर डेटा डन हो गया है, इसका मतलब आपका लॉक ओपन हो गया है, लॉक रिमूव हो गया है। ठीक है, चलिए हम मोबाइल को डिस्कनेक्ट करके, USB से डिस्कनेक्ट करके ऑन कर लेंगे। थोड़ा टाइम लेता है, लगभग 1 मिनट से 3 मिनट तक आपको वेट करना है। अब घबराइए मत, आप कोई दिक्कत नहीं, फ़ोन ऑन हो जाएगा। तो आपको नया मोबाइल की तरह सेलेक्ट करना है सब कुछ। अगर आपको फ़ोन में FRP लॉक हो जाता है इस तरह का, तो कोई दिक्कत नहीं, हम आपको दिखा देते हैं। आपको सीधा जाना है इमरजेंसी कॉल में। उसके बाद आपको सिंपली कुछ नंबर टाइप करना है, सिर्फ ये नंबर ओप्पो में ही काम करता है, ओप्पो और रियलमी में। *813#, ठीक है, तो आपका FRP जो लॉक है वो बाईपास हो जाएगा। थैंक यू।